नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम प्रश्न निर्माण और अव्यय सीखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है रेखांकित पदानाम प्रश्न निर्माणम करो। रेखांकित पदों का प्रश्न निर्माण कीजिए। प्रश्न निर्माण करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम किम शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग याद करें। तो देखिए, वो याद करने के बाद में हम जो रिक्त स्थान है, जो अंडरलाइन है रेखांकित शरीर से, तो ये पुल्लिंग शब्द है और षष्ठी विभक्ति एकवचन है। तो किम शब्द पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एकवचन क्या होता है, इसमें है शरीर से, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, षष्ठी विभक्ति एकवचन पुल्लिंग शब्द क्या आंसर होगा, कस्य कयो केशान, क्या आंसर होगा, कस्य आंसर होगा इसका। शरीर से के स्थान पर हम लिखेंगे कस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरय, ये पहचाने गया हम अरय, हरि शब्द की तरह चलता है, जैसे हरि हरि हरय, अरि अरि अरय, अरे का मतलब होता है शत्रु, तो ये पुलिंग शब्द है। तो पुलिंग शब्द है जैसे अरि अरि अरय, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तो हम लिखेंगे जैसे क काऊ के, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है पुलिंग, तो अरे के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन ही हम आंसर लिखेंगे। इसका आंसर होगा के, इसका आंसर होगा के, तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे हम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्महितेशी भी, आत्महितेशी भी, आत्महितेशी पुलिंग शब्द है और तृतीया विभक्ति बहुवचन है, तो पुलिंग शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन का आंसर क्या होगा, केन काभ्याम और कई, तो पुलिंग शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन का आंसर हुआ कई, तो यहां पर लिखेंगे हम कई, आत्महितेशी भी कई। नेक्स्ट है इसका आंसर हुआ कई। नेक्स्ट है विरुद्धम, भाई व्यायाम करते हुए, व्यायाम को करते हुए विरुद्ध भोजन भी पच जाता है व्यायाम करने वाले का, तो विरुद्ध का मतलब प्रतिकूल, प्रतिकूल भोजन किसको बोलते हैं भाई, अनुकूल भोजन तो अच्छी तरह से पका हुआ होता है और प्रतिकूल भोजन होता है कच्चा, कच्चा भोजन भी पच जाता है व्यायाम करने वाले मनुष्य के, तो ये गुण हो गया। उसके लिए हम लिखेंगे पुल्लिंग होगा तो कीदृश, स्त्रीलिंग होगा तो कीदृशी और नपुंसकलिंग होगा तो कीदृशम, तो क्या लिखेंगे यहां पर, कीदृशम, की दृश्यम, कैसा भोजन, की दृश्यम, तो व्यायाम करने वाले मनुष्य का कैसा भोजन भी पच जाता है, तो की दृश्यम लिखेंगे इसके स्थान पर। नेक्स्ट है गात्राणाम, गात्राणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो कस्य, कस्य कयो केशान, तो इसके स्थान पर लिखेंगे हम आंसर केशान, इस प्रकार से ये आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नाम अव्यानाम रिक्त स्थान प्रयोगम करो, निम्नलिखित अव्यों का रिक्त स्थानों में प्रयोग कीजिए, तो ये मंजूषा है सहसा, अचानक, अपि, भी, सदृश, समान, भांति या तरह, सर्वदा, हमेशा, यदा, जब, सदा, हमेशा, अन्यथा, अन्यथा। व्यायाम है कर्तव्य, व्यायाम करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, तो कब करना चाहिए, तो यहां पर आंसर लिखेंगे हम सर्वदा, हमेशा व्यायाम करना चाहिए, यह आंसर हो गया सर्वदा हमेशा व्यायाम करना चाहिए। और व्यायामेन असुंदरा, व्यायाम से असुंदर, सुंदरा भवंती, सुंदर होते हैं, तो यहां पर क्या लिखेंगे, अपि, व्यायाम करने से असुंदर भी सुंदर हो जाते हैं, अपि। नेक्स्ट है मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायामं करोति, मनुष्य सम्यक रूप से व्यायाम करता है तब से वह स्वस्थ तिष्ठति, स्वस्थ होता है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, यदा का मतलब जब मनुष्य सम्यक रूप से व्यायाम करता है तदा से, तब वह सदा हमेशा स्वस्थ रहता है, तब हमेशा स्वस्थ रहता है। देखिए यदा और तदा का जोड़ा भी होता है, जब तदा आता है तो इधर यदा। व्यायामिने जनस्य सकाशं वार्धक्यम, व्यायाम करने वाले मनुष्य के पास में वार्धक्यम का मतलब बुढ़ापा, सहसा मीन्स अचानक न आया कि नहीं आता, व्यायाम करने वाले मनुष्य के पास में वृद्धावस्था अचानक नहीं आती है। नेक्स्ट है व्यायामे किंचित स्थूल अपकर्षण नास्ति,
तो व्यायाम के कुछ स्थूल आकर्षण का मोटापा दूर करने वाला नहीं है, तो क्या लिखेंगे यहां पर? सदृशम, व्यायाम के समान कुछ भी नहीं है मोटापा दूर करने वाला। तो व्यायाम से ही जो शरीर भारी हो जाता है वो व्यायाम से ही फिट होता है, अच्छा होता है, तो यहां पर लिखेंगे हम सदृशम। नेक्स्ट है व्यायामम समीक्ष से एव कर्तव्य, व्यायाम को देख करके ही करना चाहिए, व्यायाम देख करके ही करना चाहिए, व्याधे आयांति बीमारियां आ जाती, तो यहां पर क्या लिखेंगे? अन्यथा, अन्यथा। व्यायाम भाई बल है, शक्ति है, भोजन है, स्थान, इनको देख करके करना चाहिए, अन्यथा व्याधे आयांति बीमारियां आ जाती हैं, क्योंकि व्यायाम अपने शरीर की शक्ति के आधे बल से करना चाहिए, ज्यादा बल लगाने से नुकसान होता है, बीमारियां आती हैं। तो इस प्रकार से हम ये अव्यक्तिक क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।